वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। घनघोर बारिश हो रही है और यही है ऑनलाइन पढ़ाई का मज़ा। आप भी घरों में बैठे हो और कुछ ही देर में आपके पास लेक्चर ही पहुंच जाएगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। और ये आज लेक्चर नंबर 2, इसका पार्ट 12 है। और आज जो हमें आपको पढ़ाना है वो रूबरू कराना है भारत के जो घाट पर्वत हैं। भारत की दक्षिणी भूमि के विषय में हम जानकारी ले चुके थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश का ये चैप्टर नंबर 12 और घाट पर्वत टॉपिक डाल लेंगे आज का। घाट पर्वत, ठीक है। तो जानेंगे घाट पर्वत क्या है। देखिए, जहाँ समुद्र होगा, जहाँ नदी होगी वहीं तो घाट होगा। तो भारत का जो ये भाग है, ये क्या है, गुजरात से लेके और ये आपके केरल तक का भाग। ये भाग एक पानी के नाम से जाना जाता है, आप अच्छे तरीके जानते हैं। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो ये जो पानी है, इस पानी को आप क्या कहते हो। जो इधर का पानी है, इधर के पानी कहते हो आप अरब सागर। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, अरब सागर। और ये क्या है, ये आपका बंगाल की खाड़ी। इसके विषय में पहले भी कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये पानी है, जो ये जल है आपका, तो इसी तरफ क्या है, इस तरफ का जो पर्वत है वो क्या है, वो आपका घाट पर्वत है। भाई इसका ये पोर्शन क्या है, समुद्र के किनारे जो पानी है, जो ज़मीन है, उसको क्या बोलते हैं, घाट। तो यहाँ पर एक पर्वतीय भाग है, यहाँ पर पर्वतीय भाग है और यहाँ पर भी एक पर्वतीय भाग है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपके दोनों क्या हैं, ये इस तरफ का पोर्शन और कल इसके विषय में बताया था हमने, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है आपका नीलगिरी पर्वत। दोनों पर्वतों की गांठ नीलगिरी पर्वत। तो ये आपका हुआ पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट पश्चिम का घाट और ये पर्वत है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। और ये पूर्वी घाट पर्वत, ये आपका पूर्वी घाट पर्वत। तो आज इन दो पर्वतों के समय विस्तार पूर्व जानकारी हम लेने वाले हैं। तो आप जल्दी से इस चित्र को मेंशन कीजिए, ठीक है। भारत के भौतिक प्रदेश, ये पार्ट 12 है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है घाट पर्वत। तो टॉपिक डालेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, ये पार्ट 12 है आपका। और आज का टॉपिक है घाट पर्वत, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, इधर लिखेंगे आप क्या, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। इधर वाला जो क्या है, पूर्वी घाट पर्वत। इधर अरब सागर को मेंशन करेंगे, इधर बंगाल की खाड़ी को। और दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, उसके विषय में कल हम आपको जानकारी दे चुके थे, वो क्या है, नीलगिरी पर्वत, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हिंद महासागर। वैसे तो ये दोनों ही चीज़ें, बंगाल खाड़ी और अरब सागर, क्या है, ये हिंद महासागर की ही दो शाखाएं हैं। तो जल्दी से बनाइए। और इसी चीज़ को लिपिबद्ध कर लीजिए। नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बता चुके हैं पहले भी, प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके
तीन तरफ पानी हो, अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर। इसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एक ओर ब्रैकेट में लिखेंगे पश्चिम अरब सागर, तो दूसरी ओर ब्रैकेट में लिखेंगे आप पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है, इसीलिए दोनों ओर घाट इसीलिए दोनों ओर घाट पाए जाते हैं। दोनों ओर घाट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट से लगा हुआ भारतीय सीमा में खंड पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से जाना जाता है, जबकि अब इस तरफ की बात करेंगे, अब हम पूर्वी घाट पर्वत की बात करेंगे, जबकि पूर्वी घाट से लगा पर्वत अब नदियों द्वारा खंडित कर दिया गया है। इसे पूर्वी घाट पर्वत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे पूर्वी घाट पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा आपको भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत घाट पर्वत क्या है वो बताया, और एक संक्षिप्त आपको नोट्स के रूप में भी इसको लिपिबद्ध करा दिया। ठीक है, जल्दी से आप ये सब चीज़ या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्या करिए आप साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे, और बेहतर हो आप साथ साथ में लिखते हुए ही चलें। ठीक है, बात करते हैं अब विस्तार पूर्वक, इनकी चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक डालेंगे आप पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, अब डिटेल्स स्टडी करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत की। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से हम डायग्राम बनाएंगे पश्चिमी घाट पर्वत का। ये आपका गुजरात और ये प्रायद्वीपीय भारत को हमने बनाया, और यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर हम एक खंड पर्वत को बना रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत। ये कौन सा है आपका, ये पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में।
यहीं पर क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत आपने बनाया, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। अब डिटेल्स तरीके से इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत जो है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये क्या है, ये 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात से लेकर केरल तक विस्तारित है और एक खंड पर्वत के रूप में देखा जाता है। यदि भारत में सबसे बड़े पर्वत के रूप में चर्चा की जाए, भारत का सबसे बड़ा पर्वत उत्तर से दक्षिण के क्रम में वो कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में पश्चिमी घाट पर्वत है। लेकिन यदि हम पश्चिम से आपको जानकारी दे चुके थे पहले भी, ये वेस्ट साइड है ऊपर की तरफ, ठीक है। यदि हम पश्चिम से और पूर्व की तरफ देखेंगे तो आप पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कौन सा, हिमालय पर्वत है। तो इस बात को आप नोट करके रखना, हिमालय पर्वत। तो पश्चिम से और पूर्व की तरफ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट है। तो पश्चिम से पूर्व कभी पूछेगा आप बताएंगे हिमालय पर्वत, भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। लेकिन क्या है, यदि उत्तर से, नॉर्थ से और कहाँ, साउथ की ओर देखें, हालांकि ये तो मिड है, ये तो भारत का मिड है, ये तो गुजरात है, हम बात कर रहे हैं यदि उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अरे ये क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ का उत्तर दक्षिण समझते हैं ना, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यदि इस पर्वत के हिसाब से देखें तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में कभी भी आपसे पूछेगा सबसे बड़ा पर्वत भारत का कौन सा है, तो वो है पश्चिमी घाट पर्वत, और यदि पश्चिम से पूर्व के क्रम में पूछेगा तो हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे आप क्या, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत। तो इसमें लिखेंगे आप थोड़ा सा जो बातें हमने बताई है, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर से दक्षिण के क्रम में भारत का सबसे बड़ा पर्वत है जो कि 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में गुजरात से लेकर केरल तक विस्तारित है, केरल तक विस्तारित है, ठीक है, केरल तक विस्तारित है, जिसे अब जो स्थानीय स्तर है, अब ये गुजरात का क्षेत्र है, फिर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, फिर कर्नाटक का क्षेत्र है, गोवा का क्षेत्र है, तो इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे यदि हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर काठियावाड़, काठियावाड़, यहाँ पर काठियावाड़ पर्वत बोल रहे हैं, ये काठियावाड़ पर्वत है। इसके पश्चात यदि नीचे की तरफ चलते हैं तो कोंकण, जो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ कोंकण पर्वत बोल रहे हैं, कोंकण पर्वत बोल रहे हैं। फिर नीचे की तरफ चलेंगे तो कन्नड़ पर्वत, ठीक है, और फिर थोड़े से नीचे चलेंगे, पूरा क्षेत्र क्या है, ये मालाबार पर्वत के नाम से है, मालाबार पर्वत के नाम से है। तो स्थानीय स्तर पर देखें तो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे विस्तारित है, यह है स्थानीय स्तर पर अलग अलग
नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे लिखेंगे, नंबर एक काठियावाड़, काठियावाड़ पर्वत। ठीक है, काठियावाड़ पर्वत। दूसरा आपका कोंकण पर्वत, कोंकण पर्वत। तीसरा कन्नड़ पर्वत। चौथा आपका मालाबार पर्वत। मालाबार पर्वत। अब फर्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे काठियावाड़ पर्वत। ठीक है, फर्स्ट काठियावाड़ पर्वत। काठियावाड़ पर्वत। देखिए, ऊपर का जो क्षेत्र है, जो गुजरात क्षेत्र में आ रहा है, ये काठियावाड़ पर्वत है। ऊपर का क्षेत्र है, ये काठियावाड़ पर्वत है। इसी काठियावाड़ पर्वत के पास में क्या होता है, आपकी जो नर्मदा नदी है, क्या है ये आपका अलग पेन से लेते हैं। यहाँ पर जो आपका नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, कहाँ पर बह रही है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी बह रही है कहाँ पर? ये आपका जो विंध्याचल पर्वत है उसके जस्ट नीचे, और फिर क्या रही है सतपुड़ा पहाड़ी, तो उसके नीचे से क्या रही, तापी नदी है। ठीक है, साबरमती नदी है, और ये आपका माही नदी है। तो तीनों की तीनों, ये चारों की चारों नदियाँ जल जो गिरा रही हैं वो काठियावाड़ पर्वत के पास ही अरब सागर में गिरा रही हैं। पहले बता चुके हैं पूरा क्षेत्र क्या है, ये अरब सागर का है। ठीक है, तो काठियावाड़ पर्वत के बारे में लिखेंगे, पश्चिमी घाट का सबसे ऊपरी भाग, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग काठियावाड़ पर्वत के नाम से, पर्वत या क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तो ऊपर का भाग क्या है? काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर, यहीं पर ये आपकी कौन सी, ऊपर जो बताया है, यहीं पर नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदी, यहीं पर नर्मदा नदी, नर्मदा, तापी, माही वे साबरमती नदी अरब सागर में खंबात, ये पोर्शन कौन सा है, ये खंबात की खाड़ी है, ये वाला पोर्शन अरब सागर में खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, अपना जल गिराती हैं, अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना आपको। ठीक है, आपने पहले एक बार समझा सारी चीजों को, और उसी चीज को क्या है, उसी चीज को लिपिबद्ध कर लिया। ठीक है, तो लिखिए ये सारे चीज, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में यहाँ पे एक नोट करके लिख लेंगे आप, इसी में यहाँ पे नोट लिखेंगे, एक नोट विशेष बात लिखेंगे। जो तट है, जो तट है यहीं पर क्या है,
यहीं पर अंकलेश्वर क्षेत्र है जो क्या है पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है। यहीं पर क्या है अंकलेश्वर, ये है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर ये अंकलेश्वर क्षेत्र है जो कि क्या है जो कि पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है। लिखेंगे काठियावाड़ क्षेत्र में ही अंकलेश्वर पेट्रोलियम का भंडार स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की, क्या कोंकण क्षेत्र। तो सेकंड टॉपिक है आपका कोंकण पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो कोंकण पर्वतीय क्षेत्र क्या है, जस्ट काठियावाड़ के नीचे वाला पोर्शन क्या है, कोंकण पर्वतीय क्षेत्र है। तो कोंकण जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरे पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, पूरे पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो नोट करेंगे कोंकण काठियावाड़ के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। यह है पश्चिमी घाट पर्वत का, यह है पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसके पूर्व में ही जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सतमाला, सतमाला अजंता हरिश्चंद्र वह बालाघाट पहाड़ियां स्थित हैं। इसी पर पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी सतारा स्थित है, सतारा स्थित है। ठीक है, तो कोंकणी क्षेत्र में सतारा भी स्थित है। ठीक है, और जो कोंकण का क्षेत्र है, जो कोंकण का क्षेत्र है इसी के क्या है, इसी के पूर्व में क्या है, सालसेट और अंजिद्वीप स्थित है, सालसेट और अंजिद्वीप स्थित है। तो नोट करके लिखेंगे, नोट, कोंकण क्षेत्र के अंतर्गत ही सालसेट द्वीप लिखेंगे, जिस पर मुंबई बसा है। ठीक है, तथा अंजी द्वीप लिखेंगे, जिस पर गोवा बसा है, ब्रैकेट यहां बंद होगा, इस पर
बसा है, स्थित है, स्थित है। लिखेंगे कोंकण क्षेत्र का विस्तार, कोंकण क्षेत्र या पर्वत का विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है? महाराष्ट्र गोवा, ठीक है, दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र महाराष्ट्र व गोवा राज्यों तक विस्तारित है, ठीक है। तो नोट कीजिए इस बात को सभी को। अगला टॉपिक आप नोट करेंगे क्या, आपका तीसरा टॉपिक कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। तो जो आपको हमने क्या बताया था, बाबा बुदन की पहाड़ी बताया था, ठीक है, बेंगलोर वाला पोर्शन बताया था, वो सब पोर्शन क्या है, वो कन्नड़ तट है, वो सामने वाला क्या है, कन्नड़ तट है। तो लिख लीजिए इसमें, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष है नहीं, तो आप इसमें लिखेंगे कन्नड़ तट क्या है, कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट का विस्तार, कन्नड़ तट पर्वत, भाई वो जो मैदानी क्षेत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, तट हो जाएगा। कन्नड़ पर्वत का विस्तार कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आता है कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए आप जो है आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नीचे का क्या है, चौथा नंबर मालाबार तट, मालाबार तट, यहां से संबंधित क्वेश्चन आते हैं काफी आपके, ठीक है, मालाबार तट। तो भी डालेंगे मालाबार तट, तो लिखेंगे इसमें पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है, तट कहलाता है। अब यही वो मालाबार तट है जहां सबसे पहले क्या है, वास्को डी गामा ने एंट्री मारी थी। तो लिखेंगे इसी पर कालीकट स्थित है जहां पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा जी आपका वास्को डी गामा आया था, और ये जो मालाबार तट होता है बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत को सबसे पहले यदि वर्षा कहीं होती है तो मालाबार तट पर होती है। ये जो पोर्शन आपका है भाई, यदि ये हम देखें तो ये पोर्शन, ये आपका क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और ये पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, मालाबार तट। अब सबसे पहले मानसून यहीं पर टकराता है, सबसे पहले मानसून यहीं पर टकराता है, ठीक है, यहीं पर मानसून टकराएगा सबसे पहले। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो लिखेंगे इस बात को, भारत में सर्वप्रथम पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जून में, कब, जून में कहाँ, 1 जून को, जून में वर्षा
यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से प्रारंभ होती है। और यहाँ पर क्या होती है, मसालों की खेती होती है, जो यहाँ की नहीं, यहाँ के मसाला खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसके केरल क्षेत्र को, जो केरल क्षेत्र आ रहा है, केरल क्षेत्र को स्पाइस स्टेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्पाइस, स्पाइस होता है मसाला, स्पाइस स्टेट कहा जाता है। ठीक है, स्पाइस स्टेट इसको कहा जाता है। तो ये रहा आपका पूरा पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, ये आपका पूरा पश्चिमी घाट पर्वत रहा। तो हम कहाँ से लेके चले थे आपको, घाट पर्वत। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले घाट पर्वत बताया, और घाट पर्वत में आपको बताया कि जो अरब सागर की तरफ जो घाट बना हुआ है, तो वहां पर जो खंड पर्वत है वो क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। और उसके बाद क्या है, जो बंगाली खाड़ी की तरफ क्या है, वो पूर्वी घाट पर्वत है। लेकिन पूर्वी घाट का जो पर्वत है वो क्या है, वो इस तरीके से खंड पर्वत के रूप में नहीं है, बीच में से नदियों ने क्या कर दिया है, वो काट दिया है। उसके विषय में आप आगे जाके बात करेंगे। तो वो क्या है, वो निरंतर नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, निरंतर है। और स्थानीय स्तर पर इसको काठियावाड़ पर्वत, कोंकण पर्वत, कन्नड़ पर्वत और मालाबार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम स्थानीय स्तर पर बात करें, क्या है, जो ऊपर का जो पोर्शन है वो काठियावाड़ पर्वत है, और काठियावाड़ पर्वत के ऊपर ही क्या है, ये नर्मदा नदी और तुम्हारा ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, ये क्या है, जो आपका अरब सागर है। तो अरब सागर का ये जो पोर्शन है ये क्या है, खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर अपना जल गिरा रही है। तो इस प्रकार से हमने सारे पर्वतों के समय एक संक्षिप्त नोट्स तैयार किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसका, अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये जो आपका आएगा, जो इसी का एक पोर्शन है, एक डायग्राम बना लेते हैं और डाल लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, क्या है, पूर्वी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, टॉपिक डाल लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो आप टॉपिक डालिए और उसके बाद इसका एक दोबारा से चित्र बनाइए, क्योंकि वहां यदि इस बात को समझेंगे तो वहाँ ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी और फिर बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप ये जान चुके थे पहले, ये वाला पोर्शन क्या था, यहाँ पर ये बीच बीच में नदियों ने काट दिया है। तो ये क्या है, ये पूर्वी घाट पर्वत के रूप में जाना जा रहा है। क्या है, पूर्वी घाट पर्वत, ये पर्वत क्या है, पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, और जो पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत बीच बीच में क्या है, नदियों ने काट दिया है, बीच बीच में नदियों काट दिया है। अब यदि यहाँ पर इस पोर्शन को अलग से देखें, तो इस पोर्शन को स्थानीय नाम से अलग कह रहे हैं, इसको अलग नाम से जान रहे हैं, इसको अलग नाम से जान रहे हैं, और नीचे के पोर्शन को अलग नाम से जान रहे हैं। तो ऊपर का जो पोर्शन है ये क्या रहता है, उत्कल तट, उत्कल पर्वतीय क्षेत्र, उत्कल पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। और ये उत्तरी सरकार, और यदि हम नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ क्या है, ये रॉयल सीमा, रॉयल सीमा, ये रॉयल सीमा क्षेत्र है।
और ये कोरोमंडल, ये कोरोमंडल क्षेत्र है, ठीक है, कोरोमंडल। तो ये भी चित्र बना लीजिए आप। ये पूर्वी घाट पर्वत है, और ये पूर्वी घाट पर्वत क्या है, ये बीच बीच नदी ने काट दिया है, तो ऊपर का पोर्शन क्या कह रहा है, उत्कल पर्वत कह रहा है या उत्कल पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तरी सरकार क्षेत्र, ये रॉयल सीमा क्षेत्र, और ये कोरोमंडल क्षेत्र, ठीक है। तो जल्दी से डायग्राम बनाइए और इन्हीं सब बातों को क्या कर लेते हैं, लिपिबद्ध कर लेते हैं, और इस टॉपिक को फिर जल्दी से हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्षेत्र आ रहा है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, और ये उड़ीसा से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, इस बात को लिख लेंगे, लेकिन भारत का पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट, क्योंकि घाट पर है, पूर्वी घाट पर्वत भारत का पूर्वी घाट पर्वत बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा 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 से लेकर तमिलनाडु तमिलनाडु तक विस्तारित है, तमिलनाडु तक विस्तारित है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत की भांति खंड पर्वत, यानी कि बिल्कुल इसके बीच में कहीं खंडित ना हो, खंड पर्वत ने होकर बीच बीच में नदियों द्वारा खंडित कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर इसे भी चार प्रकार के नामों से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। नंबर एक, उत्कल पर्वत, उत्कल पर्वत या उत्कल क्षेत्र या उत्कल तट, ठीक है। नंबर दो, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार क्षेत्र या पर्वत, ठीक है। नंबर तीन, आपका रॉयल सीमा, ठीक है, रॉयल सीमा क्षेत्र। और नंबर चार, आपका कोरोमंडल क्षेत्र, कोरोमंडल क्षेत्र, ठीक है। आप कोरोमंडल पर्वत कह दो, कोरोमंडल क्षेत्र कह दो, कोरोमंडल तट कह दो, सब एक ही बात है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें क्या, उत्कल पोर्शन को, उत्कल उत्कल पर्वत, ठीक है, उत्कल पर्वत या उत्कल तट या उत्कल क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे,
ये तो आप सब बातें लिख ही चुके हैं कि ये पूरा पोर्शन क्या है, पूरा पोर्शन कटाफटा है, तो इन बातों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे पूर्वी घाट पर्वत का उत्तरी भाग उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो उत्कल तट है, ये जो उत्कल तट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, वो महेंद्रगिरी है। भाई ये जो उत्कल तट है, यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, वो महेंद्रगिरी है, महेंद्र गिरी। ठीक है, तो लिख दीजिए इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, तो ये हुई है। यही क्या है, आपने जब राष्ट्रगान गाते हैं, द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, इसी के पास क्या है, कटक है, और जहां पर सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे। ठीक है, जहां पर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी पैदा हुए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करते हैं, इसमें अब आ रहा है उत्तरी सरकार और रॉयल सीमा तट को एक साथ करेंगे मेंशन। तो एक साथ टॉपिक बना लेंगे रॉयल सीमा वे उत्तरी सरकार तट या क्षेत्र या पर्वत। ठीक है, तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आने वाले पर्वतीय क्षेत्र को रॉयल सीमा और इसके दक्षिण में इसके दक्षिण में ये है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये क्या है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आने वाले पर्वत क्षेत्र को रॉयल सीमा और उत्तरी सरकार, ऐसे लिख लीजिए उत्तरी, वरना काटना पड़ेगा, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो रॉयल सीमा क्षेत्र है, उत्तरी सरकार क्षेत्र है, ये धारवाड़ चट्टानों के लिए जाना जाता है। तो धारवाड़ चट्टाने क्या होती हैं, इनमें खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को, जो कि धारवाड़ चट्टानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह है संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए इसे भारत का
खनिज हृदय, मिनरल हार्ट, खनिज हृदय भी कहा जाता है। ये भारत का खनिज हृदय भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तरी सरकार तट से संबंधित बातें। अब टॉपिक बदलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है क्या आपका लास्ट का कोरोमंडल तट। कोरोमंडल ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे आपने सबसे पहले देखा कि जो वर्षा स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, इसके जस्ट अपोजिट मालाबार तट से। ठीक है, मालाबार तट से। तो वर्षा का जो एंड होता है, यानी कि भारत की जो वर्षा जो एंड होती है सर्दी में, तो वो कहाँ है, सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर ही होती है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर वर्षा का क्या होता है, समापन होता है। तो लिखेंगे इस बात को, पूर्वी घाट पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट कहलाता है। लौटता मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर करता है, यहीं पर करता है। ठीक है, यहीं पर सर्वाधिक वर्षा करता है। अब जब ये क्षेत्र क्या है, वर्षा से परिपूर्ण है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को कृषि युक्त भी बना दिया गया है। पूरे क्षेत्र को कृषि युक्त भी भली बात ही बना दिया गया है। और यहाँ पर क्या है, कुछ पल्लव शासकों हुआ है नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन, तो उसने महाबलीपुरम का मंदिर भी यहाँ पर निर्माण किया है। तो लिख दीजिए इस बात को भी, नोट करके लिख लीजिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने यहां पर प्रसिद्ध महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण करा था। ठीक है, तो ये रहा आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, और यहीं पर क्या है, एक फैक्टर है, वस्त्र उद्योग के लिए प्राचीन काल से ही जाना जाता है। तो लिख लेंगे, वस्त्र निर्माण कार्य के लिए भी, ठीक है, वस्त्र निर्माण कार्य के लिए भी प्रसिद्ध। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लाइट का इशू आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर लेक्चर को हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल आपको फिर से दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।